सरेआम हत्या की दो वारदात से सनसनी, पेड़ से बांधकर शख्स की बेरहम पिटाई, सारी घटना सीसीटीवी में कैद, आरोपियों के बुलंद इरादों का नजारा। मुंबई के दो अलग अलग पुलिस थानों में हत्या की दो वारदातों से सनसनी फैल गई है। दोनों मामलों में कुछ लोगों द्वारा शख्स को चोर समझकर पेड़ से बांधकर पिटाई का मामला सामने आया है, और पिटाई भी इस कदर कि शख्स की मौत हो गई। जो तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं वो मुंबई के मालवणी इलाके का है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह इस शख्स को बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है, जिसमें उसकी मौत हो गई। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन दो आरोपी अब भी फरार हैं और पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं दूसरी घटना मुंबई के MHB पुलिस की हद में हुई, जिसमें इसी तरह एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया। इस घटना में भी अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस इन दोनों ही संगीन मामलों पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दोनों ही मामलों में चोर को पेड़ से बांध कर मारा गया है। पहली घटना मालवणी में कुल 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसमें से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसकी जानकारी जोन 11 के DCP विक्रम देशमाने ने दी है। साथ ही MHB पुलिस थाने की बात करें तो उसमें कुल 5 आरोपी हैं, 5 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। MHB पुलिस थाने में जब आरोपी जिसकी मौत हो गई वो जब कंपाउंड के अंदर गया, तब वहाँ पर मौजूद वॉचमैन को लगा कि ये चोर है, और चोर समझकर उसे बुरी तरीके से पीट दिया, जिसमें उसके मौत हो गई। मौत होने के बाद जो मौत जिसकी मौत हुई है उसे ले जाकर झाड़ी में फेंक दिया। बहरहाल सवाल अभी भी यही है कि बचे हुए आरोपी अभी तक पुलिस ने क्यों गिरफ्तार नहीं किए, और तमाम सबूतों के बावजूद पुलिस की पकड़ से वो बाहर क्यों हैं? वहीं ये दोनों घटना ये भी दिखाती है कि आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं कि वो सरेआम निर्मम तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, यानी उनके दिलों में अब पुलिस और कानून का खौफ रह ही नहीं गया है। मुंबई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।